हेलो फ्रेंड्स, हम आज बनाएंगे सोयाबीन के पकौड़े। देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाते हैं पकौड़े। हमने एक बर्तन में सोयाबीन ले लिया है। देखिए, हम इसमें एक बाउल में किसी बर्तन में डालेंगे। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे और हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसे हम 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रख देंगे, थोड़ी देर के लिए ही। या फिर तो अब देखिए, हमने एक बर्तन ले लिया है, हम उसमें सूजी ऐड करेंगे। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा है, हम इसमें डाल देंगे और बेसन भी ऐड कर देंगे। देखिए, अब हम इसमें लहसुन मिर्चा का पेस्ट ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, अजवाइन, जीरा और नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। अभी हम इसे सब अच्छे से मिला लेंगे और हरा धनिया भी काट कर डाल देंगे। देखिए, अब हम इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। देखिए, इसका घोल, इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, पकौड़े तलने के लिए ही होना चाहिए। देखिए, हम इसे आधे घंटे के लिए रख दिए थे, अभी अच्छे से रेडी हो गया है बनाने के लिए पकौड़े। अब हम सोयाबीन जो भीगा हुआ था, हम उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए सारा। अब हम इसमें कुछ सोयाबीन डालेंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से बैटर में डुबो कर डीप करके हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमने तेल चढ़ा दिया था गैस पे, ना बहुत गैस, ना बहुत हाई फ्लेम में रहेगा, ना बहुत लो फ्लेम में रहेगा, मीडियम फ्लेम ही रहेगा। अब इसे हम ब्राउन होने तक अच्छे से तल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये आप इसे मानसून में, बारिश के समय आप इसे ट्राई करिए। बाय।